अब मुझे एक काम और करना है फाइनल। पता क्या, भैया की दुकान से मुझे गत्ता ले। देखो ये हमारे भैया की दुकान दुकान है ये। नमस्ते भैया, भैया तो भाई ऐसे ऐसे वीडियो डालते रहते हैं ना, देखते रहता हूँ मैं। कभी स्नो में जाते हैं, कभी कहीं है। ये हमारे भैया की दुकान है। वाह साहब कितनी प्यारी दुकान है, देखो अमेजिंग। क्या गजब शॉप है भैया ने ना, चीजों को मेंटेन बहुत अच्छी तरीके से किया है। मतलब शॉप को ऐसे बैक कैमरा से भी दिखाऊंगा मैं आपको भैया की दुकान। बाकी भैया के मतलब भाई लोग है जो काम करते हैं यहाँ पे, और वर्कर भी है। कुछ कहना चाहोगे आप? अचानक से कैमरा मेरे मुंह पे कर दिया, कुछ बोल रहे हैं, बोला नहीं कुछ। बहुत बढ़िया ब्लॉग बना रहे हैं आजकल। इनके चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक बटन दबाओ और घंटी दबाना मत भूलो। घंटे को तो सभी बोलते हैं, घंटा मतलब खोल के रहना ताकि नोटिफिकेशन आ जाए। चलो बढ़िया है। अरे भैया की शॉप बहुत प्यारी लगती है। पहले भैया की शॉप थोड़ा ऊपर थी ना, तो छोटी मोटी थी, पर ये था सामान पूरा ही रहता था, थोड़ा काफी स्पेस अच्छा हो गया। तो भैया आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने जो अपनी शॉप को इतना ज्यादा इम्प्रूव किया। और भाई की शॉप काफी प्यारी है वैसे देखने। तो अब मैं निकलता हूँ घर के लिए, काफी टाइम हो गया है, मुझे घर भी जाना है, वरना मम्मी लोग डांटेंगे। वहाँ राहुल भैया देख रहे, चल राहुल भैया के पास ले जा ही लेते। वैसे वो मेरी वीडियो बहुत बार देखने पे लगी आजकल। उषा आर्ट, यानी कि उषा आर्ट आपको पता होगा कि यहाँ पे फोटोग्राफी वगैरह होती है। देख लो भैया, राहुल भैया, ये राहुल भैया हमारे। और राहुल भैया सच में आप बहुत ग्रेट हो यार, पहले से बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। उषा आर्ट ये है ऊपर देख। अच्छा राहुल भैया की शॉप, राहुल भैया की शॉप में जरूर आओ। कौन से पैसे बचे? अरे भूल गया, दान में दे दिया मैंने। दान दे बता दो जिसको दान में मिले। हाय तो बोल, कैसे हो? हाय बहुत बढ़िया भाई, तुम बहुत टाइम से मिल रहे हो यार मुझे। और सब वैसा बढ़िया। काम क्या चल रहा है तुम्हारा? काम बढ़िया चल रहा है, वही फोटो। अच्छा फोटो वाले यार, कैमरा तो नॉर्मल कैमरा है, फिर भी बढ़िया तो है। एडिटिंग इसी में होती है भाई, ऐसा कुछ नहीं है। एडिटिंग इसी में करता है। लाइक करें, शेयर करें, और शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें, और सब्सक्राइब भी करें। या कुछ और बोलना चाहते हैं? और आपके अंदर क्रिएटिविटी होनी चाहिए और टैलेंट होना चाहिए, तभी तो लोग आगे बढ़ेंगे। जब आपने दो शब्द बोला, कम से कम अच्छा तो बोला है ना आपको। अभी रोहित भाई को मिलाया, और उषा आर्ट यानी कि उषा आर्ट में राहुल भैया थे, उनसे भी मिला दिया। और देखो मैंने श्रीनगर में जितनी मेरी पहचान है ना, मैं आपको मतलब पूरा मिलाता रहूँगा। और ऑल टोटल मैं श्रीनगर में बताऊँ, बहुत लोग हैं जो मुझे जानते हैं। अब मैं सोच रहा हूँ कि मेरी जो आवाज़ है वो बहुत जगह तक जाए, और इन लोगों को मैं मतलब जो श्रीनगर के लोग हैं उनको मैं सबको दिखाता रहूँ, बस वही सोच रहा हूँ। ऐसे श्रीनगर में काफ़ी टाइम हो गया भाई, 12 साल तो हो गया है, 12 साल से श्रीनगर में मतलब काम वगैरह कर रहा हूँ। तो जो भी चीज़ें होती है मैं आपको दिखाता रहता हूँ, देखते रहो और खूब इंजॉय करो। यहाँ पर मैंने ना किसी से आपको मिलाना था, पर मैं इससे नहीं मिला पाया क्योंकि यहाँ पे कोई है ही नहीं जिनसे मैं मिलाना चाहूँ। बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है यार, जितनी ज़्यादा तारीफ करो कम ही है। अब यहाँ से मुझे अपनी ड्रेस वापस लेनी है, शायद भैया ने प्रेस कर ली होगी। भैया की दुकान पर पहुँच चुका हूँ, तो मुझे लग रहा है कि आई होप कि भैया ने प्रेस कर ली होगी, है ना भैया? यहाँ पे भैया ने मेरा लगा रहा है, सी सका गया भैया तुम्हारा पीछे। और भैया को हम कह रहे कि भैया बाय करो। हाँ करो भाई। अरे आपको बोल रहा था, हेलो बाय बाय बाय, गुड नाइट भैया, सुबह नाइट आपको, बाय बाय। ठीक है भैया, कल जाना है कॉलेज, फर्स्ट डे है। हाँ अरे यार भैया यार, वीडियो के चक्कर में एक चीज़ बताता हूँ, पता है इस वीडियो के चक्कर में कई बार क्या हो रहा है कि जो चीज़ है ना सामान वगैरह वो वहीं नीचे छोड़ दे रहा हूँ। भाई हुआ ये कि वहाँ से आया, कपड़े वहाँ पे छोड़ दिया, सब्जी मंडी में गया, सब्जी छोड़ दी,
भाई वो बोल रहे कि सब्जी तो ले जा ले, मतलब फ्लो नहीं बन पा रहा तो कई चीजें मतलब छोड़ दे रहा हूँ। साजिद भाई की दुकान में चलते हैं। साजिद भाई क्या करते हैं देखते हैं। साजिद भाई को कहा जाए कि म्यूजिक बंद किया जाए और उसके बाद वीडियो को चालू किया जाए। दुकान में आजकल साजिद भाई का हम डांस देख रहे हैं। भाई साजिद भाई आप डांसर बन गए हो क्या? ना साजिद भाई डांस सीखने जा रहे हैं आजकल, इंस्टाग्राम पे डेली डांस डाल रहे। मजा आ गया यार डांस देख के। गाइस ये हमारी साजिद भाई की दुकान और यहाँ पे है साजिद भाई, वहाँ पे हमारे सोनू भाई पबजी खेल रहे हैं और पबजी खेलते रहते हैं हमेशा हारते हैं पबजी में। सोनू भाई को गुस्सा आ जाएगा। भाई जीते यार जीते थोड़ा थोड़ा जीते। और श्रीनगर वालों यही कहूंगा कि साजिद भाई की दुकान में बाल कटाने के लिए आ जाए करो, बहुत अच्छी कटिंग करते हैं। मैं तो यहीं से करता हूँ, आप भी करो। जय साईं भाई के भांजे, बहुत प्यारे। क्या नाम है आपका? अफ़ान। वाह यार बड़ा खतरनाक नाम है, मुझे बोलना भी नहीं आ रहा है। मैं माए और मैं सोच रहा था साजिद भाई की दुकान में एक ब्लॉग और आएगा, जिस दिन मैं कटिंग करने के लिए आऊंगा ना उस दिन हम कटिंग करेंगे यार, रील भी बनाएंगे। साजिद भाई भाई कोरोना चल रहा है बोले यार, ठीक है साजिद भाई। तो साजिद भाई की दुकान में भी आया और साजिद भाई को भी मिला दिया। फाइनली गाइस पता है अभी तक मैं जो भी वीडियो बना रहा हूँ ना, मुझे ये लग रहा है कि मैं साजिद की लाइफ में मजाक कर रहा हूँ यार। मुझे खुद भी यकीन नहीं हो रहा कि मैं इतने लोगों के सामने जा रहा हूँ और बोल पा रहा हूँ। सच में बियर्ड ने मुझे बहुत ज़्यादा साथ दिया यार, आई लव बियर्ड यार सच में। कि हाँ इसीलिए तो कहते हैं कि टीचर को हमेशा बोलने की स्किल्स सीखनी चाहिए और वो चीज़ हो चुकी है। अब मैं सोच रहा हूँ कि इस एफर्ट्स को मैं कहीं और भी लगाने वाला हूँ। कहाँ लगाने वाला हूँ आपको दिख जाएगा। मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा जो फैक्ट है और जो मेरी लाइफ का सबसे बड़ा हिस्सा है, परिवार तो है ही बट वो है भगवान। क्यों? भगवान ने मेरा बहुत साथ दिया और मैं हमेशा इनको बहुत मानता हूँ, ज़िंदगी भर मानता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि ज़िंदगी में मैं मतलब हमेशा मंदिर वगैरह भी जाता हूँ तो भगवान ने बहुत साथ दिया है सीरियसली। तो मैं थोड़ा इनसे बात करना चाहूँगा और फिर उसके बाद आपको मैं आपको ये बताता हूँ कि मैं जब मंदिर में जाता हूँ तो मुझे बहुत शांति मिलती है। तो सोचते होंगे कि मैं बहुत हैप्पी रहता हूँ, पर ऐसा कुछ नहीं है। हर इंसान की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है तो भाई वो इतना ज़्यादा हैप्पी नहीं रहता है। इसलिए जब वो प्रॉब्लम्स में होता है तो उसे क्या करना पड़ता है, मंदिर में जाता है, शांत जगह कहते हैं ना आराध्य करने के लिए। वही चीज़ अब घर पहुँचने वाला हूँ। सो गाइस अभी जब मैं मार्केट से आ रहा था ना तो मैं एक चीज़ भूल गया था, दूध लाना। तो भाई दूध भी ले लेते हैं, अब यहाँ पे रावत भाई की दुकान पर आ गया। मैंने यहाँ से दूध भी ले लिया है और मैं अब आपको एक बहुत बड़ी बात बताने वाला हूँ। एक अभी मतलब एक झटका पड़ गया यार कि क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा। जैसे कि आप सबको पता है गाइस कि कोरोना चल रहा है ना, तो कोरोना के चक्कर में क्या हो गया, कल से अब हमें स्कूल नहीं जाना है मुझे ये लग रहा है। क्योंकि वहाँ पे नोटिस आ चुका है, कह रहे हैं कि बल 22 तारीख तक छुट्टी है और मैंने पूरी तैयारी कर दी थी। अब पता नहीं क्या होता है गाइस। अभी मैं आ चुका हूँ कहाँ से, गर्ल सेंटर कॉलेज से यार। वहाँ पर मुझे मैम को क्या देना था, लेटर देना था। तो मेरा जो लेटर है वो अप्रूव हो चुका है, यानी कि मैं वहाँ पर आराम से अब पढ़ा सकता हूँ। तो अभी वीरू भाई की दुकान में भी आया। एक बार मैंने वीरू भाई का ब्लॉग सुनाया था पहले और वीरू भाई थी का आए कर यार। और यहाँ पे हमारे दूसरे भाई बैठे हैं, आप भी कर रहा है। तो भाई फाइनली मेरा मतलब जो गर्ल्स सेंटर कॉलेज है वहाँ पे मैं गया और मैम ने जो मतलब प्रिंसिपल मैम है वहाँ पे, तो उन्होंने अप्रूव कर लिया। अब मैं आराम से बच्चों को पढ़ा सकता हूँ। बट सबसे बड़ा जो मेरे को गंदा फील ये हो रहा है कि बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाना है, ऑनलाइन में उतना मज़ा नहीं आता जितना ऑफलाइन में आता है। देखो ऑफलाइन तो क्लासें हैं नहीं, ऑनलाइन ही करानी पड़ेगी। तो भाई ऑनलाइन क्लास में आज मैं पहले क्या टॉपिक करवाने वाला हूँ, क्योंकि पता सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे बड़ी क्लासें मिल गई है, 11th 12th मिल रखा मुझे। तो ड्राइंग 11th 12th है और भी 11th 12th है। फाइनली गाइस मैं अपने घर पे पहुंचने वाला हूं और आज क्या क्या करने वाला हूं दिखाता हूं। वैसे मेरी फाइल भी कंप्लीट हो गई है फर्स्ट वाली।